आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। आज हम कवर करेंगे झांसी से इंदौर की दूरी। इसकी भी दूरी करीब 500 किलोमीटर है और गूगल मैप मुझे 8 घंटे का ट्रैवल टाइम बता रहा है। तो आइए जर्नी शुरू करते हैं। आई होप सब कुछ अच्छा रहने वाला है। तो यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। हम लोग अभी झांसी से कुछ किलोमीटर पहले ही रुक गए थे आज। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और आज का हमारा टारगेट है झांसी से इंदौर का। तो हम आज पूरे दिन में पूरी दूरी तय करेंगे, करीब 600 किलोमीटर और 500 किलोमीटर बीच की जो दूरी है वो तय करेंगे हम। जय शुतरोष। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में भी जब सारी दुनिया में निवेश की गतिविधियां प्रभावित हुई तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है तो भारत में रिकॉर्ड एफडीआई इसके लिए बटरफ्लाइज बहुत ब्यूटीफुल। क्या है बेटा वो? पीछे हाँ बर्ड्स है ब्यूटीफुल ना, बहुत सारी बर्ड्स हैं ब्यूटीफुल। तरह तुम्हें दो दो चश्मे लगा रखे हैं। हाँ सुंदर लग रहा है यार। क्या ना स्काई पूरा क्लीन है जिसके वजह से थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। शहर में क्या होता है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में दब जाता है। मुंबई में नहीं देख पाते हम इतना प्यारा। काफी टाइम से मेरा मन था आने का कि रानी लक्ष्मीबाई का देखें तो आज देख भी लिया। आप कहाँ पे हैं? कहाँ हैं आप? मैं हूँ। जैसे को ठंड लग रही है पहले स्वेटर पहना तो इधर से निकाल के। अरे छोड़ो। टाइम पास करते हैं। तो पत्थर के साथ नहीं। निकालो। क्यों? अरे मेरी चप्पल निकाल रही है सॉक्स से जैसे गाड़ी खोल। अभी छोड़ दो। अरे यार बाबा प्लीज। सीन देखो पहले उधर। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। अभी हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी है तो हमें अभी सोचना होगा कि कैसे हम ट्रैवल करें, क्योंकि जो मोस्ट ट्रैवल का टाइम था मॉर्निंग में घसीटने का वो हमने लगा दिया अपने किले को देखने के लिए। जिस तरह की ठंडी हमें कल लग रही थी बहराइच में उससे कम। बेटा इधर पकड़ लो, गोदी लेना ना। देखो वो गाड़ी तक अगर हम चल देंगे तो गोदी आ जाएंगे। गाड़ी के बाद मैं गोदी ले लूँगा आपको। तो जिस तरह की कल ठंडी हमें बहराइच में फील हो रही थी, झांसी के आने के बाद बिल्कुल डबल गर्मी पड़ रही है। मस्त गर्मी, चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं और बीच में बना हुआ है किला। क्या बढ़ाएं 50 रुपये में, अब क्या बढ़ेगा भाई। झांसी की रानी का किला हमने देख लिया है। अब हम जा रहे हैं इंदौर की तरफ और इंदौर से निकलेंगे मुंबई। जशो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मंजू नहीं बोले जबकि वो धर्म यात्रा। जय माता दी। फोर्ट की वीडियो मैं अभी नहीं डालने वाला हूँ। मुंबई पहुँच के उसको प्रॉपर एडिट करके फिर अपलोड करूँगा। जयशी बैठो। Thank you.
नहीं वो विंडो मत बंद करो बेटा, वो मत खोलो। नहीं बेटा वो उस विंडो से बेटा सामान गिर जाएगा ना। ये क्या है? हाँ दीपो, भाभी कहाँ है? भाभी बैठी बगल में। भाभी कहाँ है? नहीं है भैया, क्या हुआ? तो व्हाट्सएप खोलो पहले, तब पता चलेगा कहाँ हो आप। भाभी खोला व्हाट्सएप? इतना दूर क्यों बैठे हो कार में आप दोनों? इतना दूर कैसे है दोनों का लोकेशन? भैया है तो एक ही साथ, लेकिन पता नहीं दूर क्या है। चलो पीछे दर्जा चलो, जैसे दरवाजे से हटाओ। चलो चल रहे हैं, जय श्री राम। मैम दिखा रहा है 8 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग इंदौर। अब देखो बाकी कितना टाइम लगता है, अगर रास्ते में रुके नहीं तो। कीचड़ नहीं होगा बेटा, और तुमको हो गए हैं करीब 45 days, है ना? मुझे तो अपनी घर नहीं जाना। कॉकरोच तो आ गए होंगे तरुष। पापा, पापा जी, सुनो। जब हम दिल्ली में गए थे हमारे घर के पेड़ पौधे बाहर रखे है ना, आप उनको बाहर रखे रहने दो। ठीक है, अभी 460 किलोमीटर चला है, लेकिन कल की अपेक्षा मौसम अच्छा है तो पता नहीं चलेगा। से मत करो बेटा, आपने मेरे को वॉश किया। मम्मी को तो मम्मी को था सर दर्द, वो इसके लिए सो रही थी बस में। याद है मुझे, याद है इंदौर। हाँ इंदौर के बस में नहीं बैठे थे, याद है जहाँ पे उन्होंने खाना खाया। याद नहीं होटल के बाजू इंदौर के बस में, मम्मी इंदौर की बस में सो रही थी। हाँ हाँ इंदौर था वो। हाँ बेटा, पापा काम ही क्या होता है पोटी वॉश करने के अलावा? अब याद है वो दिन, सब याद आ गया मुझे। 10 साल हो गए उसको, गए करना कम से कम 9 साल हो गए। बहुत देर हो गई है यार, चलो चाय वाय पी लेते हैं कहीं, बच्चे भी काफी भूखे हैं। इतने छोटे छोटे कप में देते हैं ना कि पता नहीं चलता है कि हाँ कब मैंने पिया और कब खत्म हो गई। छोटे छोटे कप में देते हैं, लगता है पी नहीं। और पहले तो थोड़ा सा बड़ी कप हुआ करती थी, लेकिन अभी देख रहे हैं ना जैसे जैसे तो टाइम बीत रहा है, कप का साइज थोड़ा छोटा और छोटा होता चला जा रहा है।
मैप में देखो कितना टाइम दिखा रहा है मुंबई का। मुंबई तो यहाँ से 750 किलोमीटर है, अगर कंटिन्यू चलेंगे तो पहुँच जाएंगे 14-15 घंटे में हम लोग। वाह यार सनसेट हो रहा है आज, एक ही दिन में सनराइज और सनसेट देख लिया, कितना क्लीन है। और पता है कल कानपुर में भी सेम ऐसा ही हमें देखने को मिला, हाईवे से वैसे मस्त दिखते हैं सनराइज और सनसेट कुछ भी कहो। इसीलिए तो बोलता हूँ कि कभी कभी रोड ट्रिप भी करना चाहिए। ऐसा ऐसा नज़ारा घर के अंदर थोड़ी ना देखने को मिलेगा, जब बाहर निकलेंगे तभी दिखाई पड़ता है। मैं तो बोलती हूँ ना चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, तब हाईवे पर निकल आएंगे। शाम के 5:45 हो चुके हैं, 4:30 तक का टारगेट था हमारा इंदौर पहुंचने का, लेकिन इंदौर अभी करीब 150 किलोमीटर दूरी है हमसे, तो करीब 8:30 तक हम पहुंचने वाले हैं। सूर्यास्त होने को है और आधा हो भी चुका है, बच्चे लोग टायर्ड हो गए हैं। इंदौर में आज की रात काटेंगे हम। क्या बोलना है बताओ, ऐसे मत बैठो, इसलिए मैं डांटता हूँ आपको, क्यों बोल के चले जाओ बोलो। इसमें तो आपको एक आंसर, क्या आंसर लेना है? कैसे चॉकलेट लोगे? हाँ और आइसक्रीम लोगे क्या फिर टॉफी लोगे क्या फिर चिप्स लोगे? कब? अभी। अभी क्यों लेना है? लेकिन अभी तुम खाना खाएंगे रात में, रात थोड़ी और ही, रात बस होने वाली है अभी, अभी एक घंटे में रात हो जाएगी। ओनली एक घंटे में रात हो जाएगी हमारी, तब तक इसको बढ़ रोड पे प्राइवेट व्हीकल बहुत ही कम दिख रहे हैं, मोस्टली हमें दिख रहे हैं ट्रक और बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां बहुत ही कम दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अकेला रोड पर ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। सनसेट का नज़ारा बहुत प्यारा, वो देखो क्या जा रहा है, रॉकेट जा रहा है जैसो, वो देखो ऊपर रॉकेट जा रहा है। अरे बाबा ये रॉकेट नहीं है, मिसाइल है, मिसाइल बहुत ऊपर जाएगी, मिसाइल स्पेस तक पहुँच जाती है, रॉकेट तो सीधा आएगा नीचे धार कर। मिसाइल पापा ये मिसाइल यही है, ये फायर स्पेसशिप है, एक स्पेसशिप जा रहा है ऊपर, ये कोई मिसाइल नहीं है, मिसाइल होती तो आप तो फूट जाती। अभी हम देवस में चल रहे हैं पापा, वो मिसाइल है, रॉकेट नहीं है, मिसाइल है। हाँ। अरे यार वही समझ जाया करो। जैसो बीच में बैठ गई, सच में ऊपर जा रहा है, देखो तरुष कितनी तेज जा रहा है। तरुष पवन चक्की देखो। मम्मा ये पवन चक्की क्या होता है? पवन चक्की वो मशीन है बेटा जो हवा के बहाव की ऊर्जा को लेकर, क्योंकि जब हवा चलती है तो उसमें भी एक ऊर्जा होती है, उसको लेके वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी कि लाइट बनाती है, ठीक है। और ये स्पेशल जो पवन चक्कियाँ होती हैं वो खुले मैदान और पहाड़ियों पर ही लगाई जाती हैं, जहाँ पे हवा बहुत तेज हो, इसमें टावर होता है, रोटर होता है, पंखे यानी कि ब्लेड्स भी होते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है, और गियर बॉक्स होते हैं, जनरेटर होता है और पंप होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें लगी होती हैं। टोल आ गया आगे। यार कितने टोल्स पड़ रहे हैं, इतने सारे टोल्स तो पड़ रहे हैं अभी पीछे भी, मुझे लगता है 2,500-3,000 तक तो टोल चला ही जाना है,
ये सब जाते जाते आने में भी इतना ही लगा होगा जब आए थे मुंबई से। तो मैंने चेक तो नहीं किया स्टेटमेंट, लेकिन 2500 का टोल मैंने पे किया था। और बहराइच से अगर मुंबई का कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम 2000 से ऊपर का टोल जाना ही जाना है। रघु कहाँ पहुँचे भैया? कहाँ पहुँचे, चलती जा रही है चलती का नाम गाड़ी। अबे लोकेशन आज वाली नहीं दी, उन्हें जाए वाली ना वाली लुके वाली। आज लोकेशन आए गए? चलो भेजता हूँ अभी। इंदौर, इंदौर पहुँचने में आधे घंटे बाकी है। हाँ बस आधे घंटे में इंदौर पहुँच जाएंगे, आधे पौन घंटे में। अभी देवास शहर में चल रहा हूँ, कम से कम 650 किलोमीटर है, तो कल कवर करने में होगी तकलीफ। और परसों है ऑफिस, 8 बजे के अंदर पहुँच जाएंगे। हाँ 8 बजे के अंदर पहुँच जाने की उम्मीद रहेगी। 650 किलोमीटर घर की दूरी है भैया, काम बंद करो। क्या हो गया भाई? चलो कुछ है। चलो मैं बात करता हूँ रघुविंदर, एक बार ट्रैफिक का थोड़ा कुछ है जी। क्या हुआ सर? कहाँ जाओगे? मुंबई। मुंबई डॉक्यूमेंट चेक करवा था आपके? कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, पीयूसी वगैरह। हाँ हाँ चेक कर लो, ये चेक करवा दो। हाँ सर बैठे हैं। ठीक है, कितने बैठे हैं? आपका लाइसेंस बता दीजिए हमको। हाँ दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए लाइसेंस बता दीजिए। लाइसेंस बाद दो मिनट देता हूँ। पर्स कहीं रख दिया, इतना सारा बैग वैग है ना, ये है कहीं दिख रहा है। मिल गया। मैं भी एकदम से डर गई, पता नहीं कहाँ रह गया। थैंक यू जी। तो क्या है ना, वो MH कार नंबर देख लिया ना, तो शहर के अंदर से निकले हैं तो MH कार नंबर देख करके इनको लगा होगा कुछ, तो इसलिए चेकिंग कर रहे हैं। हाँ ड्यूटी है वैसे। हाँ जो ये काम करो, शहर के अंदर एंट्री हो गई है, फटाफट होटल देख लो क्योंकि 8:30 होने वाला है। देखो ज़्यादा ढूंढने में टाइम नहीं बर्बाद करना है हमें, जो मिल जाए मौके पर हाईवे पे ही ना ट्राई करो वहीं पे रुकने के लिए। बेटा बस होटल में चलते हैं, फिर तुरंत खाना खाएंगे बेटा। क्या क्या खाओगे बेटा तुम वहाँ पे? सैंडविच, सॉस एंड पनीर। ये तो इतना कुछ खाना है आपको? चलो ठीक है, पियूंगी और खाऊंगी। ठीक। सामान लेकर आता हूँ, बंद करता हूँ। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है आपको? सुबह से लेकर रात तक फिर कुछ नहीं खाया। एक काम करो, आप होता ही 5 पैकेट चिप्स के और वो बिस्किट, वो पराठा किसने खाया? उसमें से क्या होगा था? सोने के लिए नींद नहीं पूरी हुई है। अच्छा ओनली वन। एक काम करो, हल्का सा नींबू निचोड़ दो, फिर खिलाओ उसको।